हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और शक्ति की मल्टी स्टारर कॉमिक्स कलयुग। कहते हैं कि जब दो की लड़ाई होती है तो फायदा तीसरा उठाता है। कोई ये भी कहता है कि दो बड़े की लड़ाई में तीसरा छोटा पिसता है, लेकिन ये शायद ही कभी सुना गया हो कि दो बड़ों की लड़ाई का निर्णय कोई तीसरा छोटा करे। लेकिन भविष्य के दर्पण में यही दृश्य दिख रहा है। दैत्यों के अनुसार मानव की भक्ति ही देवताओं की शक्ति देती है, और इसी कारण दैत्यों ने शक्ति के स्रोत को ही सुखा डालने की ठान ली है। और यह समय इस काम को अंजाम देने का, क्योंकि देवों के तीन युग सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद अब दानवों का युग आया है, और दानवों की शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक बना रहेगा कलयुग। निशाचर अपने काम में असफल हो गया। पृथ्वी पर हमारी जाति का अब एकमात्र राक्षस चंडकाल बचा है, पर वह भी अपनी गलती के कारण अब बिना शरीर के भटकता फिर रहा है। कलयुग तेजी से बीतता जा रहा है, और जिस युग में हमारी शक्तियां चरम पर होती हैं, अगर उसी युग में हम देवताओं को हरा ना पाए तो फिर सतयुग में क्या हराएंगे, फिर हम क्या करें। असुर राज शंभू, मानवों को हम नष्ट तो आसानी से कर सकते हैं, पर इससे भीषण देवासुर संग्राम होने की आशंका है। ये युग चाहे कलयुग हो, पर मानवों की भक्ति अभी भी देवों के प्रति है, और इस कारण हम उन पर भारी नहीं पड़ सकते। वैसे भी हमको मानवों के नष्ट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको तो उनकी भक्ति चाहिए। उनकी भक्ति हमें तभी मिलेगी जब वे हमारी शक्ति को मानेंगे। यही तो निशाचर कर रहा था, परंतु असफल रहा। अब तो देवता भी सतर्क हो गए होंगे। हमारे ऐसे किसी भी प्रयास को वे विफल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर असुरी शक्ति का प्रयोग करना निष्फल है वत्स, तो देवों की शक्ति का प्रयोग करो। उनकी ही शक्ति से उनको मात दो, क्योंकि अपनी शक्तियों की काट खोद उनके पास नहीं होगी। गुरुवर शुक्राचार्य, सदैव की तरह आपका सुझाव मेरी बुद्धि को पार करता हुआ शून्य में चला गया है। देवों की शक्ति का प्रयोग भला हम कैसे कर सकते हैं। देवों ने अपने वरदानों के रूप में अपनी शक्तियों को ऐसे बांटा है जैसे कुबेर मुद्राएं बांटता फिरता है। बस ऐसे किसी प्राणी से देवों की शक्ति छीन लो, फिर मैं उस शक्ति को ऐसा परिष्कृत कर दूंगा कि देवता स्वयं भी उसको काट नहीं पाएंगे। इसके लिए हमको उन मानवों को ढूंढना होगा जो देवों द्वारा वर प्राप्त किए हुए हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे ज्यादा मानव नहीं है। परंतु उनका पता लगाकर उनसे शक्ति छीनने का काम बहुत शीघ्रता से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऐसा करते ही देव हमको रोकने की कोशिश अवश्य करेंगे। तुम बहुत आगे की सोच रहे हो असुरराज शंभू। पहले ऐसे मानव तो ढूंढो, और उनसे शक्ति छीनने के लिए महापापी असुर योद्धाओं को भेजो, उसके पश्चात आगे की योजना बनाते हैं। दुनिया में ऐसे मानव सचमुच गिने चुने हैं जिनके अंदर देवों के आशीर्वाद के कारण शक्तियां हैं, और उनमें से एक है नागराज। पिछले कुछ दिनों से अपराधों की वारदातें भी एकाएक बढ़ गई हैं, और अपराधियों की हिम्मत भी। एकाएक ऐसा क्या हो गया कि इनका नागराज फोबिया भी खत्म हो गया है? क्या हो सकता है इसका कारण? कुछ दिनों पहले तक तो पूरी दुनिया में ही हिंसा और अपराध बढ़ने की खबरें आ रही थी। अब दुनिया का तो पता नहीं, पर महानगर में अभी भी ये घटनाएं इतनी है कि मुझे और मेरे जासूस सर्पों को दिन रात व्यस्त रख सकें। नागराज ये नहीं जानता था कि अपराधों की इस बाढ़ का कारण निशाचर द्वारा अपने पीछे छोड़ दिया गया पाप है, और यह पाप अभी भी पापी मानवों को सत्य को खत्म करने की प्रेरणा दे रहा था, और नए नए तरीके भी सुझा रहा था। तेरा काम करने का तरीका बड़ा बोरिंग है नागराज। एक जैसा तेरे जासूस सांप अपराध होते देखते हैं, तुझे संदेश भेजते हैं कौन, और तू अटपकता है। तुझे जाल में फंसाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? नागमणि, प्रोफेसर नागमणि, पहचान गए अपने बाप को नागराज? पिछली बार हमारी टक्कर उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के चक्कर में हुई थी। उस बार भी मुझे भागना पड़ा था, पर इस बार नहीं। नागराज और नागमणि की टक्कर को जानने के लिए पढ़ें स्नेक पार्क, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इस बार ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेकर आए हो प्रोफेसर नागमणि, जिसको चलाने की तैयारी में तुमको ये घटिया सा जाल बिछाना पड़ा है? मैंने कोशिशें तो बहुत की नागराज, कभी तुझे मारने की, कभी तुझसे तेरी शक्तियां छीनने की, लेकिन हर बार मेरी योजना में कोई ना कोई कमी रह जाती थी। पर इस बार न जाने किस शक्ति, किस शैतानी ताकत ने मेरी खोपड़ी में वह योजना भर दी, जिस पर काम करने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया है कि हमारी इस बार की मुलाकात आखिरी होगी। ले संभाल नागराज। ओह, नागमणि और उसके आदमी चारों तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं,
पर इनकी गनों से गोलियां नहीं कुछ और निकल रहा है। यह जरूर नागमणि द्वारा तैयार किया गया कोई नया जहर होगा और इसे मैं अपने शरीर पर इसका परीक्षण करने की इजाजत नहीं दे सकता। इसको रोकना होगा। पहले दो गुंडों को तो नागराज ने वार करने से रोक लिया, लेकिन नागराज अपने शरीर पर पड़ने वाले वारों को बचाने का आदी नहीं था। कुछ नुकीले हथियारों ने अपना निशाना ढूंढ ही लिया। आह, ये तो किसी किस्म के इंजेक्शन है, जानवरों को काबू में करने वाले टैक्यूलाइजिंग डार्ट्स की तरह। तू भी तो एक जानवर ही है नागराज, एक इच्छाधारी सांप। नहीं नागमणि, मैं इच्छाधारी नाग मानव नहीं बल्कि इच्छाधारी मानव नाग हूं। पर तूने मुझ पर चलाया क्या है, क्या है इन इंजेक्शनों में? अब तक मैं तुझे हराने के लिए नए नए किस्म के जहर बनाने में अपना समय वेस्ट कर रहा था नागराज, लेकिन इस बार मुझे एक नया आइडिया मिला और इस बार मैंने जहर नहीं जहर की काट बनाई है, तेरे जहर की काट, एक सुपर एंटी वेनम। और अब ये एंटी वेनम तेरे शरीर में प्रवेश करके तेरे जहर को पानी बना रहा है। अब जल्द ही तेरा जहर भी खत्म हो जाएगा और इस जहर और उस जहर में पलने वाले तेरे सूक्ष्म नाग भी, फिर खत्म होगी तेरी शक्तियां और फिर खत्म होगा तू। शायद नागमणि सत्य कह रहा है, मेरी विश्वंकार ने बाकी बचे दो गुंडों को बेहोश तो कर दिया है, लेकिन इस बार ना तो उसमें पहले की तरह सा प्रेशर था और ना ही तीव्रता। क्या सचमुच मेरा जहर पानी बन रहा है? नागराज को कुछ ही पलों में जवाब मिल गया। मुझे अपनी रगों में बहते सांप मरते महसूस हो रहे हैं, साथ ही साथ मुझे कमजोरी भी लग रही है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि मेरा जहर सचमुच पानी बन रहा है, और मेरा कितना जहर पानी बनेगा यह एंटी वेनम की मात्रा पर निर्भर करेगा जो मेरे शरीर के अंदर है। खैर, वह मात्रा चाहे कितनी भी हो, फिलहाल तो मेरे सूक्ष्म शरीर नष्ट होने के कारण मुझे इतनी कमजोरी लग रही है कि मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। गिर गया नागराज, मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। अब मैं इस तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं फिलहाल शक्ति ही नहीं सही, पर मुझे मारना भी इतना आसान नहीं है। मेरे सर्पों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ तभी मेरे जहर की जरूरत पड़ती है जब वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसलिए मैं उनको सूक्ष्म रूप में रहने नहीं दूंगा। तब ना वे मरेंगे और ना ही तुझे मुझ पर वार करने देंगे। पर ऐसा करने से मैं कमजोरी से लगभग बेहोश हो जाऊंगा। कमजोर होते नागराज की यह बचने की आखिरी कोशिश थी, और कुछ पलों तक ये कोशिश कारगर सिद्ध होती रही। अच्छी चाल है नागराज, पर इस दीवार को तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा एंटी स्नेक स्प्रे तेरे सांपों को इधर उधर भागने पर मजबूर कर देगा। आह, मेरे सांप भी शरीर से निकल गए हैं और मेरा विष भी तेजी से नष्ट होता जा रहा है। इस दोहरी कमजोरी की हालत में नागमणी का तो क्या एक नेवले तक से मुकाबला नहीं कर सकता, पर मैं नागमणी को सफल नहीं होने दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। नागराज ने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी और कमजोर नागराज का भी व्यवहार नागमणि को बेहोश करने के लिए काफी था, लेकिन नागराज को बचाने वाला कोई भी नहीं था। आह, नागमणि तो मेरी जान नहीं ले सका, पर मेरी जान अपने आप ही निकलने वाली है। मेरे सर्प तो फिर द्विगुणित हो सकते हैं, पर मेरा विष दोबारा नहीं बन सकता, और अगर विष दोबारा ना बना तो सर्प भी द्विगुणित नहीं हो पाएंगे, और मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्प मेरे विष में ही पनप सकते हैं। विष की मात्रा अगर जल्दी ना बढ़ी तो कमजोरी के कारण मेरी हृदय गति भी रुक सकती है। ये विष तो मुझे देवकालजी ही वरदान में दे सकते हैं, उनका ही ध्यान करना होगा। नागराज ने देवकालजी का ध्यान लगाया और कालजी तड़प उठे। ओह, मेरा भक्त नागराज मुझे पुकार रहा है, पर मैं उसकी मदद के लिए पृथ्वी पर नहीं जा सकता, क्योंकि देवराज को देवों पर दैत्यों के हमले की आशंका है, और उन्होंने हर देवगण से हर समय स्वर्ग में ही उपस्थित रहने को कहा है। मैं उनकी आज्ञा टालकर पृथ्वी पर नहीं जा सकता। नागराज चौंक उठा। ओह देवकाल जी, अब तक मेरी पुकार सुनकर अवश्य आ जाते, उनका ना आना इस बात का संकेत है कि या तो वे मेरी पुकार नहीं सुन पा रहे हैं या स्वयं आने में असमर्थ हैं। अब मैं क्या करूं, इस धरती पर तो देवकाल जी जैसा विष मिल पाना असंभव है, चाहे हिमालय की ऊंचाई छान मारूं या महासागरों की गहराई। ओह महासागर एक स्थान है जहां से देवकाल जी का विष मिल सकता है, परंतु इस अवस्था में मैं अपने आप वहां तक नहीं पहुंच सकता। मुझे मानसिक संपर्क साधना होगा नागद्वीप में महात्मा कालदूत से। ओह नागराज का मानसिक संकेत मेरे पास आ रहा है, नागराज किसी मुसीबत में है, अपने आप को मेरे द्वारा यहाँ पहुंचाना चाहता है। मैं अभी उसे दूर प्रेषित तंत्र से यहाँ बुला भेजता हूँ। महात्मा कालदूत ने अपनी तरंगों को प्रेषित करना शुरू कर दिया और नागराज का शरीर कड़ों में बदलकर नागद्वीप स्थित महात्मा कालदूत की गुफा में खिंचना शुरू हो गया। कुछ ही पलों बाद नागराज
सशरीर कालदूत की गुफा में उपस्थित था, अधमरी हालत में। नागराज, ये तुमको क्या हो गया है? किसने बना दी तुम्हारी ऐसी हालत? बताओ नागराज, बताओ। नागराज कालदूत को सारी कहानी बताता चला गया। ओह, देव कालजई ने भी तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया। जरूर कोई गंभीर विषय है, तभी वे नहीं आए। पर तुमको जिस विष की जरूरत है वह तो सिर्फ वे ही दे सकते हैं। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको वे फल याद होंगे महात्मा, जिनको खाने के बाद कुछ नागदीप वासियों की मृत्यु हो गई थी और जिसके द्वारा आपको मेरे जन्म के रहस्य का पता चला था। याद है ना आपको? इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें क्राइम किंग, ये भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। अरे हाँ, इन पौधों ने तुम्हारे बाल शरीर का वह अतिरिक्त विष सोख लिया था जिसके कारण तुम मूर्छित अवस्था में थे। वह अतिरिक्त विष तो अभी भी उन पौधों के फलों में मौजूद है। मैं अभी मंगवाता हूँ वे विशेष फल। कुछ ही मिनटों में आज नागराज देव कालजई के विष से भरे हुए अद्भुत फल चबा रहा था। अब कुछ चैन पड़ा महात्मन, परंतु अभी भी भीषण कमजोरी का आभास हो ही रहा है। यह विष तुम्हारे शरीर के रक्त में विष का स्तर बढ़ाएगा तो, पर कुछ समय भी तो लेगा नागराज, और वह स्तर बनने के बाद ही तुम्हारे सूक्ष्म सब द्विगुणित होना शुरू होंगे और उनकी संख्या संतोषजनक होने के बाद ही तुम पूरी शक्ति महसूस कर पाओगे। तब तक तुम आराम करो और हम तुम्हारी इस नई समस्या पर विचार करते हैं कि तुम्हारे विष में प्रति विष मिलने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से कैसे रोका जा सकता है। परंतु नागराज को आराम करने का समय नहीं मिलने वाला था, क्योंकि कोई नागराज की तलाश में नागद्वीप के पास ही प्रकट हुआ था। देव कालजई और देवराज इंद्र का अनुमान पूरी तरह से सही नहीं था। असुर स्वर्ग पर हमला करने के बजाय पृथ्वी को अपना निशाना बना रहे थे। अगर मेरी असुरी शक्तियां सही काम कर रही हैं तो नागराज नामक मानव यहीं इसी द्वीप में मौजूद है। उसके अंदर देव कालजई के वरदान स्वरूप जो शक्तियां हैं, मुझे उनको लेकर असुर लोक जाना है। मेरे जैसे और भी असुर ऐसे ही अन्य मानवों की तलाश में आए हुए हैं, पर सफल मुझे ही होना है, क्योंकि जो असुर इस काम को अंजाम देगा उसे असुर लोक में बड़ा मान सम्मान यश और पद मिलेगा, और यह यश और पद नेवला गबली को ही मिलेगा। अरे कौन है तू दुष्ट? नागदीप पर आने का साहस तूने कैसे किया? इसके इरादे अच्छे नहीं लगते, खत्म कर दो इसे। नेवलाक को मारेगा? नेवलाक बली को? ले मार ले, फिर मत कहना कि असुर मौका नहीं देते, पीछे से वार करते हैं। तीव्र विष में बुझे भाले उस जहर को नेवलाक बली के शरीर में उतार देने के लिए लपके और नेवलाक के शरीर पर लिपटे सर्प का मुंह खुलकर आश्चर्यजनक रूप से फैलने लगा। भाले उस खुले मुख में घुसते चले गए और जब मुंह दोबारा खुला तो उसमें से दो के बजाय कई भाले निकलकर नागदीप के प्रहरियों की तरफ लपके और आश्चर्यचकित नाग मानवों के शरीर को जगह जगह से चीरते चले गए। देखा मेरा सर्प मुख किसी भी वार को अपने मुंह में बंद कर सकता है और फिर उसको कई गुना बढ़ाकर वही वार वापस कर सकता है। अब जो वार करना हो करो, परंतु मरने से पहले मुझे नागराज से अवश्य मिलवा देना। जब तक नागराज मेरे सामने नहीं आता तब तक मेरा विध्वंस जारी रहेगा। दुम जमीन से टकराई और जमीन कांप उठी। भूकंप की तरंगे पूरे नागदीप में फैलने लगी। कंपन की इन तरंगों ने महात्मा कालदूत की गुफा को भी हिला डाला। ये कंपन कैसे हैं? क्या भूकंप आ रहा है? नहीं महात्मन, ये कोई दूसरी मुसीबत लगती है। बाहर से कोई अजनबी आवाज मुझे पुकार रही है। अभी देखता हूँ। अब कम से कम मुझको खड़ा होने की ताकत तो आ गई है, पर यह मुसीबत आ कहाँ से गई? नागराज और कालजई तुरंत गुफा से बाहर निकल आए। कौन है रे तू दुष्ट? नागराज को क्यों ढूंढ रहा है? पहले बता नागराज कहाँ है? तू तो तीन सर वाला है, नागराज हो ही नहीं सकता। नागराज तो एक सर वाला है, हरी खाल। अरे मैं नेवलाक बली भी कितना मूर्ख निकला, यही तो है नागराज। देव कालजई की शक्तियों वाला नागराज, ला अपनी शक्तियां मुझे दे 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 वरना मेरा अगला वार तेरे प्राण हर लेगा। प्राण तो तेरे निकलेंगे असुर नेवलाक, मैं तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू एक असुर है और असुरों को मारने में कालदूत को महारत हासिल है। कालदूत? ओ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। द्वापर और त्रेता युग में जब हम राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञों का विध्वंस करने आते थे तो तूने कई बार हमारा रास्ता रुक कर हमको लौटाया था। पर यह युग ना तो सतयुग है, न द्वापर और ना ही त्रेता, यह कलयुग है। और कलयुग में हम राक्षसों की शक्ति इतनी तो अधिक होती ही है कि तेरे जैसे टुच्चे मुच्चे महात्मा हमारा रास्ता न रोक पाए। कर वार कर, पर मेरे सर्पों के अंदर जाते ही तेरी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी।
और फिर मैं तेरी ही शक्ति का स्वाद तुझे चखाऊंगा। ले चख। कालदूत का शरीर अपनी ही उस ऊर्जा को नहीं झेल सका जो उनके स्वयं के लिए घातक होने के साथ साथ तीव्रता में कई गुना ज्यादा तेज भी हो गई थी। और कालदूत के बेबस होते ही नेवलाक को नागराज की तरफ बढ़ने का मौका मिल गया। अब मैं तेरा खून निकालूंगा नागराज, जो वरदान की शक्तियों से युक्त है। फिर तुझे मारूं या छोड़ूं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओह, ये तो ना जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया और मेरी शक्तियां अभी भी काफी क्षीण हैं। नेवलाक की तरह कई राक्षस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अपना कहर मचा रहे थे। अपने आप इस हथौड़े को मेरे हवाले कर दे थौर, जिसमें तेरी शक्तियां हैं, पर न शक्तियां धारण करने के लिए तेरा शरीर ही नहीं बचेगा। पश्चिम के वेदांतियों का देवता थौर बिजली के देवता जियास का बेटा है और उसके हथौड़े मोजेर में अद्भुत शक्तियां हैं। मेरे हथौड़े के पीछे तो तुम लोकी तब से पड़े हो जब से देवों और असुरों की पहली झड़प हुई है, पर आज तक कोई भी असुर मेरे हथौड़े मोजिर को हाथ तक नहीं लगा पाया, और आज भी कोई असुर मेरे हथौड़े को हासिल नहीं कर पाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में नॉम देवता थॉर से एक रथ उलझा हुआ था, और दिल्ली में भी यही कयामत टूट रही थी। आ शक्ति आ, काली और दुर्गा की शक्तियों वाली शक्ति, राक्षस कैरीनाथ तुझसे तेरी शक्तियां लेने आया है। मैं जानता था कि मानवों पर अत्याचार होते देखकर तुम देवता के गुणों वाले मानव अवश्य तड़प उठोगे और मेरे सामने आ जाओगे अपनी शक्तियां खिंचवाने के लिए। शक्ति तेरे प्राण खींचने आई है कैरीनाथ, पर पहले तुझे हर मानव की हर चीख पर अपनी एक चीख का कर देना होगा मुझको। चीखेगा कैरीनाथ, जरूर चीखेगा, और कैरीनाथ जब चीखता है तो हर चीज कांप उठती है। आह, इसकी चीखना तो मेरे शरीर के हर अंगों को हिला दिया है, और इस चीख के कंपन से इमारतों के शीशे तक टूट गए और प्लास्टर झड़कर गिर रहे हैं। इसका मुख बंद करना पड़ेगा ताकि इसकी चीख बंद हो जाए। और कैरीनाथ का मुंह पिघले लोहे से भर भर गया, पर चीख नहीं रुकी। अब सिर्फ फर्क इतना था कि वह चीख तेज सीटी के स्थान पर एक दबी गुदगुदाहट में बदल गई थी। ओह, अब चीख को स्थायी रूप से ही रोकना पड़ेगा। लोहा फिर से हवा में लपक चला और कैरीनाथ की गर्दन ही धड़ से जुदा हो गई और एक अट्टहास गूंज उठा। हा, 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 अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सर रखे रखे मेरे कंधे दर्द करने लगे थे, पर अब तू क्या करेगी, मेरी चीख को कैसे रोकेगी? सोच सोच कर तब तक मैं 10-12 इमारतें सोच सोच तब तक मैं 10-12 इमारतें तोड़ लेता हूं। आई, मैं तेरा मुंह बंद करवा कर ही रहूंगी दुष्ट। लोहे के एक खोल ने हवा में उड़कर कैरीनाथ के कटे सिर को अपने घेरे में समेट लिया, लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक बनी नहीं रही। क्या करती है शक्ति, मेरा दम घुटेगी क्या? अब चुपचाप अपनी कमर में बंधी खोपड़ी मुझे दे दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही खोपड़ी तेरी शक्तियों का स्रोत है। अब जब तक तू ये खोपड़ी मुझे नहीं देगी, मैं गूंज फैलाता रहूंगा, तो फिर अपनी मौत का सामना करने को तैयार हो जा दुष्ट। अब तुझे भस्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शक्ति का तीसरा प्रलंकारी नेत्र खुल गया और कैरीनाथ का शरीर लपटों में गिरकर भूम की भांति पिघलने लगा। परंतु अगले ही पल शक्ति को चौंक चकित हो जाना पड़ा, क्योंकि पिघले शरीर में से फिर एक आकृति जन्म ले रही थी, और वह आकृति कैरीनाथ की नहीं थी। हा, असंभव, ये नहीं हो सकता। मेरी प्रचंड अग्नि से कोई प्राणी नहीं बच सकता। ये कोई चाल है, माया है राक्षसों की। माया नहीं, ये मेरी असली काया है शक्ति। असुर गुरु शुक्राचार्य ने हम सबको मृत संजीवनी औषधि खिलाकर भेजा है, और उसके असर से हम मर तो सकते हैं पर फिर जिंदा हो उठते हैं। आह, ये मुझ पर ऊर्जा वार कर रहा है, और इस वार से मैं अपने शरीर को प्रकाश में बदल कर भी नहीं बचा सकती, क्योंकि प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा वार उसके आर पार नहीं जाएगा। इसी वक्त नागद्वीप में नागराज बेबस नहीं है, राक्षस उसके शरीर के सर्प अवश्य अभी उसके शरीर में नहीं है, पर हम अभी भी उसके शरीर में हैं। अरे, और हमको सूक्ष्म रूप में जिंदा रहने के लिए उसके जहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे मूर्खों, कितनी बार बताऊं, तो मुझ पर वार करोगे तो खुद मारे जाओगे। अच्छा, एक बार फिर देख लो, देख लो। मैं एक नेवला राक्षस हूं, इसलिए मुझे खास तौर से तुम नागों से निपटने के लिए भेजा गया है, नागों के शहनशाह नागराज से निपटने के लिए। तब तो तुझ पर दूर से ही वार करना होगा। दूर से वार करो या पास से, नेवलाक बलि तो नागराज का रक्त लेकर ही जाएगा। शीतनाग और सोडांगी के एक दो वार तो नेवलाक को लगे, लेकिन शीतनाग कुमार के अगले वार को नेवलाक बलों
नेवला बलि के सरफन ने मुंह में रोक लिया। नहीं कुमार, रुक जाओ, तुम्हारी बर्फ इसके मुख में द्विगुणित होनी शुरू हो गई है। अब यह इसी से तुम पर वार, ओह और वार करो शीत कुमार, और वार करो, करते जाओ। तुम क्या कहना चाहते हो नागराज? कभी कहते हो वार ना करो, कभी कहते हो वार की वार करो। क्या क्या करूं मैं? वार करो, वार, रुको मत शीतना, शीतना कुमार, रुको मत। वार सूखते नेवलाक बलि का सर मुख जैसे ही बंद हुआ, नागराज ने उसको सील बंद कर दिया और नेवलाक बलि तड़प उठा। आह, यह शिकंजा तो बहुत मजबूत है। मेरा सर मुख इसे खोल तो सकता है, पर इसे खोलने में समय लगेगा और उतनी देर में तो इस शीतनाक की बर्फ सर मुख में द्विगुणित होती ही जाएगी। इसे द्विगुणित होने से रोक सकने की शक्ति मेरे पास नहीं है और नागराज ने मेरी कमजोरी को भांप लिया है। बर्फ द्विगुणित होती गई और नेवलाक बलि का सर मुख बढ़ता ही चला गया, फूलता ही चला गया, और इसका परिणाम क्या होना था यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। फटाक की आवाज के साथ सर्पमुख के चीथड़े उड़ गए और नेवलाक बलि आग बबूला हो उठा। तुम शूद्र नागों की यह हिम्मत, मेरे सर्प, मेरा सर्पमुख नष्ट कर दिया, अब देख नेवलाक बलि का कहर। आह, ओह, ये तो एकाएक आक्रामक होता है और मेरा शरीर भी अभी भी सूक्ष्म नागों की संख्या अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची है। अब मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं सोडांगी और नागकुमार की, कैसे रोकूं नेवलाक बलि को? ऐसे या तो मेरा रक्त लेगा, ऐसे या तो ये मेरा रक्त लेगा या फिर पूरे नागदीप के इच्छाधारी सर्पों का सफाया कर देगा। मुझे खुद भी बचना है और नागदीप को भी बचाना है, ये दोनों काम मैं एक साथ कैसे? वाह, एक रास्ता है जिसमें ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं और नेवलाक बलि को परास्त भी किया जा सकता है। अगले ही पल नागराज के मस्तिष्क से मानसिक संकेत निकलकर पूरे नागदीप में फैलकर हर नागदीपवासी के मस्तिष्कों में एक खास संदेश पहुंचाने लगे और थोड़ी देर बाद पूरे नागदीप के सभी इच्छाधारी नाग नागराज की तरफ बढ़ रहे थे और नागराज के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। मेरे शरीर के नाग पनपने में समय लगेगा लेंगे, पर मेरा संदेश पाकर नागदीप के सब मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे शक्ति दे देंगे और इस प्रकार से मुझे भी शक्ति मिल जाएगी और नागदीपवासियों को नेवलाक बलि नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब नागराज नेवलाक बलि के लिए तैयार था। बस नेवलाक, अब तू और विनाश नहीं फैला पाएगा क्योंकि अब खुद तेरा विनाश होगा। अब जब नागदीप के सब मेरे शरीर में आ बसे हैं, मुझ में शक्ति भी आ गई और मेरे शरीर में विष का स्तर भी सामान्य हो गया है और नागदीप के सर्प शरीर में आने के कारण अपने शरीर में द्विगुणित हो चुके कुछ सर्प को बाहर भी निकाल सकता हूँ। ओ, अब तक तो तेरे बदले दूसरे लड़ रहे थे, अब तू खुद सामने आ गया है, बहुत अच्छा, अब तेरा रक्त निकालना आसान हो जाएगा। नेवलाक के हाथों से ढेरों हथियार निकल निकल कर नागराज की तरफ लपकने लगे। ये मेरा रक्त क्या निकालेंगे, ये तो खुद मेरे शरीर के आर पार निकल जाएंगे। नागराज ने कड़ों में बदल देने वाले इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया। अरे, गायब हो गया, कहाँ गया? खैर, जहां भी हो मेरा श्याम तंत्र उसे ढूंढ निकालेगा। श्याम तंत्र ने वाकई नागराज को ढूंढ निकाला और नागराज तड़प उठा। ओह, वैसे तो 3 सेकंड बाद में खुद ही प्रकट हो जाता, पर इस तंत्रवार के बाद अब तो ये तरीका अपनाने की सोचूंगा भी नहीं। आहा, आ गया चूहा सामने, अब देखता हूँ कि तू बचकर कहाँ जाएगा। नेवलाक बलि ने एक विशाल रूप धारण किया और नागराज सचमुच उसके शिकंजे में एक चूहे की तरह फंस गया। अब तू कैसे बचेगा नागराज, बता। नागराज बड़ी मुसीबत में फंस गया था लेकिन थौर मुसीबत से बाहर निकल रहा था। नागदीप से बहुत दूर न्यूयॉर्क में बहुत खेल कर लिया मैंने तुझसे, अब दिखाता हूँ तुझे मोजर की शक्ति। एक बिजली सी कड़कड़ाकर उस असुर की तरफ लपकी। वह असुर लड़खड़ा गया और अगले ही पल उसके ऊपर दर्जनों हथौड़े एक साथ टूट पड़े। असुर लोक में हर दृश्य पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। यह हथौड़ तो काफी शक्तिशाली लग रहा है, इस असुर को कुछ अतिरिक्त शक्ति देनी चाहिए ताकि यह हथौड़े को थौर से छीन कर ला सके। कोई आवश्यकता नहीं है शंभू, इस हथौड़े में ऐसी कोई खास शक्ति नहीं है जो हमारे काम आ सके। जब यह असुर पिट जाएगा तो अपने आप दूर प्रेषित होकर असुर लोग वापस आ जाएगा। उस असुर की हड्डियां जगह जगह से टूट गई थी। आह, मुझ जैसे मामूली असुर को किस पहाड़ से टकरा दिया। असुर राज, इससे टकराना मूर्खता है। इसका हथौड़ा तो मैं किसी जन्म में छीन नहीं सकता। यह रुकने का मतलब अपनी हड्डी टूटी हड्डियों का चूरा करवाना है, इसलिए मैं तो यहां से चला। चकित हथौड़ अदृश्य होते दैत को देखता रह गया। पृथ्वी पर से एक मुसीबत तो टल गई थी।
पर दूसरी मुसीबत को टालना जरा टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अच्छा, यानी तू अपने आप अपनी शक्तियां मुझे नहीं देगी। शक्ति, मैं इसकी भी काट लाया हूं। ये खोपड़ी, तेरी खोपड़ी में जिस खास कंपन की तरह शक्ति तरंगें भरी हैं, ये खोपड़ी उसी कंपन पर स्थित किए गए कणों द्वारा ही बनी है। समझी? नहीं समझी? खैर, इतना समझ ले कि ये खोपड़ी तेरी कमर की खोपड़ी से संपर्क बनाकर धीरे 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 उसकी शक्ति चूस लेगी। खत्म हो जाएगी तेरी खत्म हो जाएगी खोपड़ी में से तेरी शक्तियां, और आकर भर जाएंगी मेरी इस खोपड़ी में, और तब तक मेरी गूंज विनाश करती रहेगी। आह, इसकी खोपड़ी तो सचमुच मेरी शक्तियों को खींच रही है, और इसकी चीख मुझे ना तो संभलने का मौका दे रही है और ना ही कोई रास्ता सोचने का। मेरी शक्ति इतनी तेजी से खींच रही है कि मैं अपने आप को प्रकाश तरंगों में भी बदल नहीं पा रही हूँ। कुछ ही पलों में शक्ति की शक्तियां खिंच जानी थी, लेकिन वे कुछ पल बीतने से पहले ही शक्तियां खिंचने में व्यवधान आ गया। अरे ये क्या, मुझ पर वार करने की हिम्मत किसने की? मैंने। ध्रुव, तुम यहां पर कैसे आ गए? मैं तो मुंबई से कुछ काम निपटाकर अपने हेलीकॉप्टर पर राजनगर जा रहा था, तब मैंने क्षितिज पर रोशनी के एक पुंज को आकाश से यहां उतरते देखा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह पुंज तुम ही रही होगी। शक्ति और ध्रुव की मुलाकात के विषय में जानने के लिए पढ़ें ध्रुव शक्ति, जो कि चैनल पर अभी इमेज मोड में उपलब्ध है, लेकिन जल्दी ही वॉइस मोड में भी उपलब्ध होगी। मुंबई में भी ऐसी ही कुछ मुसीबतों से निपट रहा था। मुंबई में मैं भी ऐसा ही कुछ मुसीबतों से निपट रहा था जो संसार में पाप का साम्राज्य कायम करना चाहती थी। पर इस मुसीबत से कैसे निपटें, इस पर तो मैंने अपने सारे वार आजमा कर देख लिए, कोई असर नहीं हुआ इस पर। अरे, वह अपनी खोपड़ी फिर से उठाने के लिए बढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शक्ति की अग्नि लहर से खोपड़ी उछल कर दूर तो जा गिरी, पर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हा, यह खोपड़ी अनश्वर है शक्ति, इसे कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती, पर तेरे हाथों में पड़ने से रोक तो सकती हूँ। अग्नि लहर ने कोलतार की सड़क में गड्ढा करना शुरू कर दिया। खोपड़ी उसके अंदर धंसने लगी और गड्ढा फिर कोलतार से भरने लगा। अब तू अपनी खोपड़ी तक कभी पहुंच नहीं सकता कैरीनाथ, तूने अपनी मृत्यु को बुला लिया है शक्ति, क्योंकि अब कैरीनाथ छोड़ेगा अपना सबसे प्रचंड नाद। आह, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। कैरीनाथ के उस नाद ने शक्ति और ध्रुव दोनों को ही हवा में उड़ा दिया। सुनो शक्ति, इससे पहले कि मैं स्थायी रूप से बहरा हो जाऊं, तुम लोहे को पिघलाकर एक खास खास आकार दे दो, पतली चादर जैसा। शक्ति के हाथों की प्रचंड ऊष्मा जमीन में से लोहे के कणों को खींचती हुई उनको पिघलाकर आपस में जोड़ने लगी, और फिर वे कण एक खास आकार लेने लगे। मैं इसका ध्यान बांटता हूँ शक्ति, तब तक तुम अपना काम करती रहो, पर जल्दी करना, वरना तुमको मैं तो शायद मिल जाऊं पर मेरी हड्डियां नहीं मिलेंगी। मुझ पर भरोसा रखो ध्रुव, मेरी तरफ देख कैरीनाथ, देख। मैं तो तेरी तरफ ही देख रहा हूँ लड़के, पर तू अपनी मौत की तरफ देख रहा है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। आह, मेरी आंखें, ये क्या चमका, मेरे हाथ में सूर्य कैसे आ गया? इसे सूर्य नहीं, फ्लैश बम कहते हैं। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी। मुझे तो पता ही नहीं कि ये सूर्य जैसा चमकता है या चांद जैसा, पर तू तो कुछ पलों के लिए अंधा हो गया है। अंधा ही सही, पर गूंगा तो नहीं हुआ हूं ना। ले मेरी चीख, सुन सुन मेरी नाद। कहरी नाद उस लोहे की चादर को नहीं देख पाया जो उसकी बगल में आ गई थी, लेकिन ध्रुव भी ये नहीं देख पाया, क्योंकि कैरीनाथ के नाद ने उसको उठाकर दूर फेंक दिया था। कैरीनाथ चीखता ही जा रहा था। पूरे दिल्ली की इमारतें अब कंपन से कांपने लगी थीं, और लोहे की चादर अब कैरीनाथ को चारों तरफ से घेर चुकी थी। सिर्फ छत बननी बाकी थी, और शक्ति ने इस निर्माण कार्य को पूरा करने में एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। कैरीनाथ की चीख अभी भी जारी थी, पर अब उसकी चीखें दिल्ली की दीवारों को नहीं बल्कि उन लोहे की पतली चादरों से बनी दीवारों को कपा रही थी, जो उसकी चीखों की ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके उसी के पास वापस भेज रही थी। और इतनी प्रचंड ध्वनि ऊर्जा का इतने छोटे से इलाके में सिमट जाना वह प्रलंकारी असर पैदा कर रहा था, जिसे काट पाना कैरीनाथ की क्षमता से बाहर की बात थी। आह, सारा शरीर तो क्या मेरी दुष्टात्मा तक कांप गई है, जुबान क्या सांस तक थरथरा रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय यहाँ से दूर प्रेषित होकर असुर शंभू के कोप का सामना करने के। अगले ही पल कैरीनाथ अदृश्य हो चुका था। ये कहाँ गायब हो गया?
हमारे वार से परास्त होकर वापस असुर लोक की यात्रा तय कर रहा है। ध्रुव मुझसे शक्ति छीनने आया था, पर उनके बगैर ही जाना पड़ रहा है इसे। परंतु ये तुम्हारी शक्तियां लेने क्यों आया था? कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है? हमारी और असुरों की दुश्मनी तो ब्रह्मांड से भी पुरानी है ध्रुव, परंतु कैरीनाथ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं खुद नहीं जानती कि इस घटना का कारण क्या है। कारण था, और बहुत खतरनाक कारण था। नागदीप में यह खूनी खेल इसी खतरनाक कारण के कारण खेला जा रहा था। आह, अगर मेरी इच्छाधारी शक्ति गुम ना हो गई होती तो आज मैं इस विशाल नेवलाक का सामना आसानी से कर सकता था। पर यह सोचने से अब क्या फायदा, वह खोई इच्छाधारी शक्ति वापस तो आने से रही। एक मिनट, मेरे अंदर इस वक्त भीषण इच्छाधारी शक्ति है। मेरे शरीर में घुसे हर नागदीप के अंदर थोड़ी इच्छाधारी शक्ति है। अगर वे शक्ति मुझे दे दें तो वह थोड़ी थोड़ी शक्ति मिलाकर भीषण इच्छाधारी शक्ति बन जाएगी। अभी अभी नागों से मानसिक संपर्क करता हूँ। नागराज की इच्छाधारी शक्ति कहाँ गई, इस विषय में जानने के लिए पढ़ें इच्छाधारी विशेषांक, जो कि इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। ओ आह, अब तेरे सारे वार मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे चूहा हाथी पर दुम पटकता है। अगर तू अपने आप को हाथी समझता है तो मुझे डायनासोर समझ। नेवलाग बली नागदीप के समस्त इच्छाधारी सर्पों, अपनी इच्छाधारी शक्ति मेरे शरीर में स्थानांतरित कर दो। नागराज के सिर्फ सर्प में बदल सकने की इच्छाधारी शक्ति के साथ नागराज को सभी इच्छाधारी नागों की इच्छाधारी शक्ति भी मिलने लगी, और नागराज ने विशाल इच्छाधारी रूप धारण करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं नेवलाग कि तू मेरा रक्त निकालता है या मैं तेरी जान निकालता हूं। आह, तुझसे लड़ने के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि मेरा पहला काम तेरा रक्त निकालना है, तुझसे लड़ना नहीं। अब तेरे अंदर नागदीप के तमाम चमत्कारी नागों की शक्तियां भी हैं। अब तेरे तंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। यह सिर्फ तुझे असुलित करने के लिए है नागराज, ताकि अगले ही पल में अपना विशाल काय आकार छोड़कर एक मच्छर जितने आकार में आ जाऊं और फिर मच्छर की तरह तेरा खून पी जाऊं। परंतु नागराज का खून पीते ही, आह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में तेज जलन हो रही है और मेरा शरीर गल रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं मृत संजीवनी पीकर आया हूँ, गलूंगा फिर जिंदा हो उठूंगा। मेरा काम नेवलाग पली सचमुच गलकर फिर जिंदा होने लगा। मेरा काम हो गया है नागराज, तेरा रक्त अब की एक बूंद मैंने अपने दांत में भर ली है। चलता हूं, पर तुझसे लड़ने में बड़ा मजा आया। खैर, पृथ्वी बची तो शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए। ये तो अदृश्य हो रहा है, पर मेरे एक बूंद रक्त से ये क्या करेगा, और पृथ्वी बची से इसका क्या तात्पर्य था? चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कलयुग के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।